बरसा थाना में पिछले कल जींद राणा गांव की एक महिला ने अपने गांव के एक व्यक्ति पर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर बरसा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, परंतु आज जींद राणा गांव के सभी लोगों ने बरसा थाना का घेराव किया और कहा कि महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तक महिला के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर ऐसा हुआ होता तो उसे शोर मचाना चाहिए था, उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। महिलाओं ने बताया कि ये औरत हर किसी व्यक्ति पर इस तरह के झूठे आरोप लगाती है और सारे गांव को फंसाने की धमकियां देती है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि बरसर पुलिस थाना भी उस महिला का साथ देता है। लोगों ने डीएसपी बरसर धर्मचंद से गुहार लगाई है कि उत्तक महिला को थाना में बुलाया जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए, नहीं तो हम सड़क पर चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कि जी आपके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ अटेम्प्ट टू रेप का, हस्बैंड के ऊपर। इवन हस्बैंड मेरे घर में होते हैं, ठीक है। परसों 11:30 का बोल रहे हैं पुलिस वाले, कल पुलिस वाले आए थे गांव में, लेकिन हमें पता नहीं था कि क्यों आए। 4 घंटे उस लेडी के घर रहे, लेकिन रात को पता चला जी कि हमारा नाम लिखा हुआ है। इवन मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं, हम साथ में थे, कोई ऐसी बात नहीं। अब पता नहीं कैसे अटेम्प्ट टू रेप, अब पुलिस वालों का भी आज तक मतलब कोई भी उन्होंने वो नहीं किया, ना कोई बात करी ना कुछ नहीं। उसके यहाँ जाते हैं, खाते पीते हैं और आ जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं। और अभी भी हमने बोला उस लेडी को बुलाओ, क्या बात है, कैसे लगा दिया अपने निजाम बंदे पे। जबकि मेरे सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, उनको भी खतरा है। उसने परसों लेडी ने धक्का दे दिया मेरे ससुर को, 90 ईयर्स के हैं वो, 90 साल के हैं। अब जब धक्का दे दिया, फादर को धक्का देंगे तो हम बोलेंगे नहीं, तो हस्बैंड ने बोल दिया कि क्यों धक्का दे रही है। तो आपके बरसर पुलिस से क्या उम्मीद लगा के रखे? क्या उम्मीद रखे, डेली पुलिस जाती है उसके घर, बैठती है और खाती और आ जाती है। अब आप बताओ क्या करें हम लोग, सिर्फ न्याय चाहिए हमें, न्याय चाहिए और कुछ भी चाहिए। हम दुखी हो गए हैं इधर आके, एक महीने में 2-3 बार आ जाते हैं हम इधर, एक साल में आज 3-4 बार आ चुके हैं। सतीश कुमार गांव जिंदराणा का निवासी हूँ मैं। आज इसलिए आया कि ये औरत एक अंजू देवी है, ये हर बार कभी किसी पे झूठा केस है, कम से कम 10 केस चल रहे होंगे इसके, हर बार ही झूठे केस करती है लोगों के ऊपर। मेरे ऊपर भी इसने झूठा ब्लेम लगाया था, सब झूठा ही बोला है इसमें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर, क्या क्या ब्लेम लगाया इसने, मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। बरसर डीएसपी धर्मचंद वर्मा का कहना है कि महिला ने रेप करने का मामला दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उपमंडल बरसर की महिला ने यहाँ थाना में आरोप लगाया है कि उसके साथ दो जो व्यक्ति उसी गांव के हैं, उन्होंने जो है रेप करने की कोशिश की है, जिस पर जो है 376/511 IPC में जो है थाना बरसर में मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस जारी है। इन लोगों का ये कहना है कि इनका कोई पुरानी रंजिश वगैरह हुई, उस लक्ष्य में लोग आए थे कि भैया झूठा फंसाया गया है, तो इनको बताया गया कि हम जो है इसमें सही तफ्तीश कोई ऐसी बात है तो सब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उस हिसाब से जो हम सही साबित करेंगे।